टिकट नहीं मिलने पर बल्लभगढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही शारदा राठौर ने कांग्रेस पर टिकट वितरण में करप्शन के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मामले पर कांग्रेस को घेरा तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दलित और महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और ना ही कांग्रेस में जो दलित हैं उनका सम्मान है। वही कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो हर आदमी को हर बार टिकट देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कई विधायक जेल में हैं महिलाओं को के बलात्कार के इल्जाम के अंदर। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए तब कांग्रेस के ऊपर हमला कीजिए। टिकट नहीं मिलने पर बल्लभगढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही शारदा राठौर ने कांग्रेस पर टिकट वितरण में करप्शन के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मामले पर कांग्रेस को घेरा तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दलित और महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और ना ही कांग्रेस में जो दलित हैं उनका सम्मान है। वही कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो हर आदमी को हर बार टिकट देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कई विधायक जेल में हैं महिलाओं को के बलात्कार के इल्जाम के अंदर। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए तब कांग्रेस के ऊपर हमला कीजिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.